वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जनाब, बच्चों के हवाले से है और जो भी मसाइल उनको दरपेश होते हैं, चाहे वो वॉयलेंस की शक्ल में हो, चाहे बेगिंग की शक्ल में हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको फेस करना पड़ रहा है और उस हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रोल बहुत अहम है। अब जो हमारे पास नई चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, सारा अहमद, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सारा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अच्छा जनाब, उसके साथ साथ हमारी रिपोर्टर होंगी जुनैरा लियास, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो जुनैरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सारा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप चेयरपर्सन हुई है, और उस हवाले से आप चूंकि पिछले दौर में सबा सादिक उस पर फाइज नहीं थी अहदे पर, क्या लग रहा है कि अब आप आई हैं, किस तरह की तब्दीली आएगी? जी, एक तो जब मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, एक दिन भी नहीं हुआ कि हम वहाँ पे बैठे हों, एंड जितने भी उसके बाद केसेस आए हैं, वी हैव टेकन दोज अप। बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंडर जो है वो आता है चाइल्ड अब्यूज, ठीक है, चाइल्ड बेगरिंग, स्ट्रीट चिल्ड्रन का केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसके अलावा जो वायलेंस बच्चों के साथ होता है वो, एंड डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चाइल्ड एक्ट एक है 2004 का, वी फॉलो दैट, that's under the government of Punjab. सही हो गया। So that gives us all the authority to take care of these cases. So अब पहले के दौर में भी बहुत काम हुआ है इसके ऊपर undoubtedly, लेकिन मैं चाहूंगी कि और थोड़ा उसको expand किया जाए और उसकी implementation पे ज्यादा focus किया जाए, because we have the laws, लेकिन उनकी implementation and its true sense अभी नहीं है। वो करने के लिए एक बहुत will power चाहिए। और अभी तो चूंकि आप नई नई अपॉइंट हुई हैं, डेफिनेटली चीज़ें, सारी चीज़ें को लेकर चलने में भी टाइम तो लगेगा, लेकिन क्या लग रहा है कि किस तरह के केसेस या किस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको बनानी पड़ेंगी और किस तरह के मसाइल बेसिकली फेस करने पड़े हैं ज़्यादा? जी बिल्कुल, एक तो देखें, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी एक स्ट्रीट चिल्ड्रन का, जब हमारी रेस्क्यू टीम को, एक हमारी हेल्पलाइन है 1121, आपके प्लेटफॉर्म आई वुड ऑल्सो लाइक टू प्रोपेगेट दैट, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट। एग्जैक्टली। तो अगर आप कोई भी चाइल्ड राइट्स का वायल होते हुए देखें, आई मीन समथिंग, समबडी इज डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो वी वॉन्ट एवरीबडी टू इन्फॉर्म अस ऑन दिस 24 आवर हेल्पलाइन। ठीक हो गया, ठीक है, इसके थ्रू, या फिर कोई बच्चे स्ट्रीट पे पड़े हुए देखें, या फिर कोई चाइल्ड बेगर्स देखें, हमें इन्फॉर्म करें, तो फिर हमारी रेस्क्यू टीम इमीडिएटली जाती है उसको रेस्क्यू करने। तो इन सम केसेस वी हैव टू फेस रेजिस्टेंस, वो बच्चे दे डोंट वांट टू कम टू अस बिकॉज देयर इज सोर्स ऑफ इनकम अपने पेरेंट्स के लिए, वो कमाई का जरिया होते हैं, तो वो एक हमारे ऑफकोर्स इट्स अ चैलेंज कि उनको कन्विंस करें और उनको लाएं, तो इस तरह के चैलेंजेस फेस होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट है, हमारे पास पुलिस की सपोर्ट है, तो ठीक हो गया। अच्छा जुनैरा, आपकी जानिब आऊंगी, किस तरह की केसेस आप ऑब्जर्व करती हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, बेगर्स हैं, वॉयलेंस बहुत ज्यादा है, तो उनके हवाले से भी हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि आप फील्ड में रहती हैं, आपको आइडिया होगा। एक तो केसेस अनमला ये है कि स्ट्रीट बेगर्स बहुत ज्यादा हैं, बच्चे जो है, अगर आप हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर एक फैमिली होती है जो कि 12-13 बच्चों को लेके बाहर आई होती है, या उन्होंने वो जगहें पिक रखी होती हैं कि हम लोग को यहीं आना है, इवन वहाँ पे कोई और बच्चा भी आ जाए ना मांगने के लिए, तो उसको भी मार मार के भगा दिया जाता है कि हमारा पॉइंट है। एक तो बच्चों की बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन बेगर्स में है, चाइल्ड लेबर में है, दूसरा आजकल बहुत ट्रेंड हम देख रहे हैं कि काम वालियों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं कि लाइक इसने मेरे बच्चे की प्लेट में खाना क्यों खा लिया, ये मेरे बच्चे के बराबर में आके क्यों बैठ गई, इस तरह के इतने क्रूल केसेस हमने देखे हैं कि जिसको देख के हम कहते हैं कि इंसान ही है वाकई। अभी जैसे कल सौतेली माँ ने इस तरह से लोहे के रोड से, और उसके बाप ने भी उसकी माँ की डिफेंड की है कि ये पढ़ती नहीं थी, अगर पढ़ती नहीं है तो इसके लिए बहुत अल्टरनेट वेज हैं, बहुत अच्छी आप उसको प्यार से समझा सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं कि लोहे के रोड्स मारे हैं, और बच्ची को आप, अगर आपने तो देखा है इतने बड़े बड़े नील पड़े हुए हैं, उसके बाद उसकी आंखों के नीचे इतने हल्के हैं कि लाइक वो जैसे सोती ना रही हो, उस पर बहुत ज़्यादा उसे मारा जाता हो, इस तरह के बहुत सारे केसेस जो हमें देखने में भी आते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहले भी इस पे काम करता रहा है, लेकिन ये जरूर देखा गया था पहले कि बच्चे आते थे, 2-3 दिन बाद हमें दोबारा उसी स्पोर्ट पे मिलते थे। Exactly, जुनैरा ने जो पॉइंट किया, सॉरी जुनैरा, मैं आपको जो सारा, मैं आपसे ये पॉइंट, पहले यही केसेस मैंने खुद भी चूंकि रिपोर्टिंग की है, मुझे आइडिया है कि जो बच्चे लेके जाए जाते थे उनको 3-4 दिन या हफ्ता रखा जाता था मैक्सिमम, उसके बाद फिर आपको वही बच्चे उन्हीं पॉइंट पर नजर आते थे। रिहेबिलिटेशन के साथ साथ उनकी काउंसलिंग और उनको प्रॉपरली केटर करना, ये एक बड़ा चैलेंज जी। ये मैं भी जब से आई टेकन चार्ज, तो मेरी टीम ने मुझे बताया कि ये इशू हम फेस करते हैं कि वो बच्चे बेसिकली होता है, ये जब हम उनको उठा के ले आते हैं ना अपने साथ, अपनी वैन में डाल के अपने ब्यूरो,
उसके बाद उनके पेरेंट्स आ जाते हैं अगले दिन ही और वो एक पेनल्टी है थ्रू द कोर्ट विद फीस दे हैव टू गिव, फाइन होता है, दे पे दैट एंड दे टेक द चाइल्ड और फिर वो वहीं पे नजर आता है. नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू टॉक टू द गवर्नमेंट टू अलाउ अस टू फाइल एन FIR. बेसिकली नाम का एक प्रॉब्लम होता है बट वी आर गोइंग टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमें नो नेम से FIR फाइल करने दें. उससे ये होगा कि हम फिर जो पेरेंट्स आते हैं ना, इफ वी सी द चाइल्ड एट द सेम स्पॉट, हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं ताकि वो हमेशा के लिए दैट थिंग शुड स्टॉप. ये एक सोल्यूशन हमने प्रपोज किया. अच्छा सारा, डेफिनेटली इसके लिए आपको दीगर इदारों की जो है कोऑपरेशन बहुत चाहिए होगी क्योंकि एजुकेशन भी आपने उनको करना है, हेल्थ उनका बेसिकली, तो उसके लिए कुछ भी स्ट्रेटजी आपको अभी तक हेल्प है इस तरह से? जी जी बिल्कुल. बेसिकली हमारे पास एक ऑन बोर्ड हमारे इन हाउस डॉक्टर है फुल टाइम. अच्छा. तो हमारे जो भी हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चे अभी हमारे ब्यूरो में रह रहे हैं हॉस्टल में और उनको एजुकेशन भी मिल रही है वहाँ पर और मेडिकल फैसिलिटीज भी यही डॉक्टर देते हैं. अगर कभी कोई ज्यादा बुरा केस हो तो जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं ना ऑल अक्रॉस पंजाब, दे सपोर्ट अस. कोई इमरजेंसी है कुछ, तो वी कैन टेक आर बेबीज, हमारे पास बेबीज भी हैं न्यू बॉर्न्स, उनको हम ले जाते हैं उधर एंड दे ऑफर फ्री मेडिकल एड टू देम. तो वो हमारा हुआ है सेटअप विद द गवर्नमेंट. अच्छा सारा, इससे पहले भी जो था उसमें भी यही सेटअप चला आ रहा था या आपने आकर कुछ चेंजेस भी किए हैं? क्योंकि डेफिनेटली हर दौर में डिफरेंट स्ट्रेटजी डिफरेंट टैलेंट के साथ लोग चल रहे होते हैं जी. तो आपने किस तरह से चेंजिंग की है? नहीं अभी है तो मेरे मुझे आए हुए 1 वीक हुआ है राइट. तो अभी हमने पॉलिसीज बनाई है, वो ऑफकोर्स हमें अप्रूवल लेके गवर्नमेंट से वो इम्प्लीमेंट करानी होंगी. लेकिन ऑफकोर्स कुछ चेंजेस होंगे, जो चीजें मुझे जो लूपहोल्स नजर आ रहे हैं जैसे कि ये अभी हमने मेंशन किया ना कि वो FIR का एक इशू है, वो विल टेक परमिशन. इसके अलावा क्या है ऐसा? इसके अलावा आई वुड लाइक टू हमारा एक्सपैंड करना मैं चाहती हूँ लाहौर का प्रेमिसेस बिकॉज यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा हैं अभी और वो जगह थोड़ी उसके लिए कम है. तो हमारा व्हाट यू कॉल सारा ऑल पर्पस ये है प्रेमिसेस, लेकिन इसको एक्सपेंशन की जरूरत है. सो मैं वो भी प्रपोज कर रही हूँ कि उसको इसकी एक्सपेंशन की जाए ताकि और बच्चे यहाँ पे आराम से रह सकें. ऑल्सो और भी चीज़ें हैं जब बच्चे जब व्हेन गर्ल्स दे आर ओवर 15 बिकॉज हम 15 ईयर्स तक रखते हैं. सो वी आर गोइंग टू ट्राई कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हमारा अरेंजमेंट हो जाए कि हम वहाँ पे उनको मूव कर दिया जाए. एंड अभी पिछले दिनों भी दो लड़कियों की शादियाँ उधर उसके थ्रू हुई हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू. तो दे डू कोऑपरेट विद अस बट आई वुड लाइक टू हैव अ फॉर्मल सेटअप विद देम. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन. Perfect, जी perfect. अच्छा चाइल्ड बेगिंग के हवाले से जुनैरा, बहुत सारे केसेस आते हैं रोज के ऊपर, आपको बच्चे चाहे लेबो चले वो सारा मामला एक डिफरेंट आता है. बेगिंग को अगर हम देखें उसके हवाले से क्या है? अगर ये ट्रेंड देखें ना तो ये पिछले 3 साल में हमें ज्यादा देखने में आया क्योंकि पहले देखा जाता था कि 8-9 साल से ज्यादा बड़े बच्चे होते थे, लेकिन अब ये 3 साल से देखने में आ रहा है छोटे छोटे से बच्चे होते हैं मुंह पे मतलब काल के मल लेते हैं. और मतलब ये तो बहुत सारा केसेस ऐसे भी हैं कि लोग खुद से बच्चों को तैयार करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं इस चीज़ की, क्योंकि हम लोग देखते हैं वो बच्चा है सर्दी में खड़ा है कोई बात नहीं खाने के पैसे दे दो खाना ला के दे दो, क्योंकि बच्चे इनोसेंट से होते हैं उनके फेसेस काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड बन चुका है, अब ट्रेंड सेट कर दिया है लोगों ने. और स्पेशली आप जौहर टाउन वाली साइड पर चले जाएँ, वेलेंशिया साइड पर चले जाएँ, वहाँ आपको मांगने वाले बच्चे भी नज़र आएंगे. ये माल रोड पर आप देखें, माल रोड पर पहले जब ये इन्होंने क्रैकडाउन किया था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने तो 5-6 दिन के लिए वो क्लियर हुआ था. उसके बाद वही टोला फिर से बैलून्स कुछ ने बैलून्स पकड़े होते हैं, कुछ पैसे आपके दुपट्टे खींच रहे होते हैं कि बाजी कुछ दे दें, या कोई बुक्स ले आते हैं क्योंकि हम लोग बुक्स तो लेंगे नहीं, तो हम कहते हैं चलो बच्चा है कमा रहा है तो हम उसको वैसे ही पैसे पकड़ा देते हैं. अब उसी की जगह कोई एडल्ट हो तो हम नहीं देंगे क्योंकि भाई ये तो कमा सकता है, ये तो हट्टा कट्टा, हम लोग जैसे लाहौरियों का होता है जी हट्टा कट्टा, इससे क्या तकलीफ है कमा क्यों नहीं सकता. तो बच्चों को हम ये नहीं कह सकते. और वो आपको जब सोल्यूशन निकाला है कि हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वी हैव 3 चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इन द लाहौर हेडक्वार्टर्स, बाकी तो पंजाब में और भी डिस्ट्रिक्ट्स में वी हैव आवर ऑफिसेस, बट आई एम जस्ट गिविंग लाहौर के एग्जांपल बिकॉज वी आर सिटिंग हियर. वो जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं व्हाट दे डू इज व्हेन वी गेट अ बेगर एंड वी गेट देम इनटू आवर कस्टडी, वी ब्रिंग हिम और हर इन द ब्यूरो, देन दीज चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट वो उनकी काउंसलिंग करते हैं ताकि इनको कन्विंस करें, इनको समझाएं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है. इफ यू स्टे विद अस, इफ यू हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम वी कैन सपोर्ट यू, आप हमारे पास रहें एंड आप बड़े होकर यू कैन डू समथिंग बेटर फॉर द कंट्री एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, आपको एम्प्लॉयमेंट हम हेल्प कर देंगे जनरेट करने में ये वो. तो ये जो है ना दिस कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल आगे, क्योंकि डेफिनेटली साइकोलॉजिकली ये बच्चे तो डिस्टर्ब होते हैं तभी वो इन्हीं चीजों की तरफ जाते हैं. और काउंसलिंग का ही मेरा अगला क्वेश्चन था, लेकिन चाहे वो वॉयलेंस की शक्ल में हो, चाहे बेगिंग की शक्ल में हो या अब्यूज की शक्ल में हो, काउंसलर्स बहुत ज्यादा आपको एक
कह लें कि फॉरम पे या बोर्ड पे चाहिए. बिल्कुल. एंड वो जो सुनहरा ने एग्जाम्पल आपने कोट किया या आपको बता रही थी उसके बारे में, कल ही केस आया. बिल्कुल कल वी फाउंड आउट अराउंड 9 PM अबाउट दिस गर्ल हु वाज बीइंग बीटन अप बाय हर स्टेप मदर. तो हमारी टीम बिल्कुल उसी वक्त, हमें पुलिस से फोन आया एंड देन आवर टीम रेस्क्यू टीम वेंट एंड हमने फिर चेक किया तो वो ऑलरेडी उसको FIR कटी हुई थी उनके अगेंस्ट और वो पेरेंट्स वो अंडर अरेस्ट. We got the child, उसका मेडिकल करवा के एंड वी गॉट हर इन टू आर कस्टडी. राइट नाउ शी इज इन आर ब्यूरो. अभी हेल्थ वाइज शी इज ओके बट वो हमारे साथ अब रहेगी. अच्छा वो. और फिर जो लोग इस तरह का जो कहने कमिट करते हैं इस तरह का, जो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी, वो FIR वाली जो आप कह रही है उनके लिए आप? जी जी, वो तो वो फिर पुलिस टेक ओवर कर लेती है. वो कर रही है, वो दे टेक केयर ऑफ इट. ये बच्ची जो है ये हमारे पास है, इसका हम अपने थ्रू लीगल कस्टडी. अच्छा सारा, मैं रिसोर्सेज के हवाले से भी जानना चाहूंगी, आपके पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं या अभी आप गवर्नमेंट से मजीद करने वाले हैं? क्योंकि आपका इदारा एक बहुत बड़ा इदारा है और आप जिस तरह से खुद बता रही हैं कि इस लाहौर के प्रीमिसेस में यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फॉर दैट, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? ऑफ कोर्स, सो देन अभी आने वाले बजट में वी आर गोइंग टू प्रपोज आवर ओन बजट आल्सो टू द गवर्नमेंट टू एक्सपेंड आवर बजट सो दैट वी कैन गेट मोर चिल्ड्रन एंड वी कैन प्रोवाइड देम बेटर फैसिलिटीज. And other than that, हमारे पास डोनर्स भी हैं. अच्छा. There are people who come to us themselves. And उन्होंने हमारे जैसे कुछ टीचर, किसी ने म्यूजिक टीचर डोनेट की हुई है, उसने कहा कि यहाँ म्यूजिक होनी चाहिए तो एक म्यूजिक टीचर मेरी तरफ से हो, तो एक डोनर ने वो मंथली वो पे करते हैं उसका. Perfect. इस तरह बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कल अपनी मीटिंग में कहा था कि आई वुड गेट अ स्विमिंग पूल मेड इन द ब्यूरो इंशाल्लाह, तो उसके लिए वो पर्सनल मैं अपनी तरफ से आई एम गोइंग टू डू दैट. उसके हम भी जगह वो सब कर रहे हैं, मतलब दैट्स नाइस. देयर पीपल जो खुद भी करते हैं, बहुत सारे डोनर्स हैं अभी हमारे पास वो कर. अच्छा, जो ऑन बोर्ड है और जो ऑन एंड ऑफ इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं. बिल्कुल जी, ठीक है, जबरदस्त. हाँ जी जुनैरा, चाइल्ड बेगिंग के हवाले से आप जिस तरह से सारे ने बताया कि स्ट्रेटजीज तो बनाई जाएंगे, वॉयलेंस की बात की जाए तो जो घरेलू मुलाजमीन पे तशद्दुद का मामला है ये भी कभी कभी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है. यूजुअली हमें यही ज्यादा देखने में आता है क्योंकि हर दूसरे घर में मुलाजिम है. और उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इवन इतनी छोटी छोटी बातों पे आप इतना इतना बड़ा तशद्दुद कर देते हैं कि ये मेरे बच्चे के बराबर में क्यों बैठा. अभी रिसेंटली ये केस है पिछले हफ्ते का कि वो जी मेरे बच्चे की प्लेट से खाना खा लिया उसने और उसे इतने बुरी तरह से मारा गया था. आपके चार्ट से आई थिंक 2 दिन पहले की ये स्टोरी है. तो इस तरह से उसे मारा गया था कि वो बच्ची बेचारी चल भी नहीं पा रही थी. उसका क्या गुनाह है कि उसको 3 दिन से भूखा रखा हुआ था और उसने बच्चे की प्लेट से, जैसे बच्चे बच्चे फ्रेंडशिप हो ही जाती है हल्की फुल्की, तो उसने खुद कहा कि तुम ये खा लो और उसने जैसे ही खाया तो उसकी माँ वहाँ से आके तो उसने मारना शुरू कर दिया. तो लाइक अगर ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कि अगर आप कोई मुलाजिम रख रहे हैं और उस पर आप तशद्दुद कर रहे हैं तो फिर आप कम अज़ कम 2 हफ्ते अंदर रहें ताकि आपको पता चले कि आपने क्या किया. हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जी FIR हो गई, यहाँ पुलिस वालों से बात हो गई तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पॉलिसी जरूर है लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. और वही बात की लॉस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और उसके लिए बात स्ट्रिक्टनेस नहीं है. हमारे अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इमरान खान साहब, उन्होंने अनाउंस किया कि मेड्स जो होती हैं वो कुछ क्लब्स में ना अलाउड नहीं है. उन्होंने कहा है कि फ्रॉम नाउ ऑन ये द मेड्स डोमेस्टिक शुड बी अलाउड इन ऑल क्लब्स ताकि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. बिकॉज इतना बुरा लगता है क्योंकि आजकल आपने देखा कि सारा जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास दे हैव ये मेड राइट फॉर द क्लब, उनको जब लेके जाते हैं और वो क्लब वाले मना कर देते हैं कि यहाँ मेड ना आए तो वो काफी यू नो इनको काफी बुरा लगता है. इट्स डिग्रेडिंग देम. सो वो एक दैट्स अ गुड पॉलिसी. ऑल्सो देयर इज दिस डोमेस्टिक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट यस विच हैज बीन पास बाय द पंजाब गवर्नमेंट. ठीक है. According to that, अगर कोई चाइल्ड बच्चा जो है वो 12 ईयर्स से बिलो रखता है कोई, उसके ऊपर देयर इज अ फाइन, देयर इज अ हैवी पेनल्टी. दैट्स अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट. लेकिन अब सारा वही बात कि ये लॉस तो है लेकिन इन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता. और हम अपने डोमेस्टिक सारे सेटअप में देखें तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अंडर 12 हैं, दे आर वर्किंग, मतलब कोई कंप्लेन नहीं करता. या तो ये उन लोगों के लिए भी जो इनको रखते हैं या जो इनको भेजते हैं, वो भी सारे इन मामलात में आएंगे तभी तो ये चीजें बेहतर होंगी. बिल्कुल जी. तो वही मैं आपसे कहूंगी, अगर आपकी विल टू डू हो और ऐसा पॉलिटिकल सेटअप हो जो सपोर्ट करता है, बिकॉज इवन आवर चीफ मिनिस्टर जो उस्मान बुज़दार even he has a very strict policy towards the social sector and you know the welfare of these children because mera appointment bhi unke through hua. To wo kehte hain ki aapko jo bhi support chahiye hogi child protection bureau ko, the government is going to be willing to help. So if
we suggest something, I'm sure the government is going to support it. So, we implement it. किस तरह से स्ट्रिक्टनेस होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉलिसी जरूर बनी है, लोग घरों में रख लेते हैं, अब हम लोग एक एक घर जाकर उसके एक्ट के हवाले से भी बात करी थी, उसको भी करवाना इम्प्लीमेंट, दैट विल बी चैलेंजिंग. जी बिल्कुल, एक आइडिया ये कि इफ वी गेट ऑल द डोमेस्टिक स्टाफ ऑन, वी गेट देम रजिस्टर्ड यू नो, एंड देन उनकी रेगुलर चेकअप सरप्राइज विजिट करके चेक कर सके उनकी कंडीशन, बिकॉज देखें घरों के अंदर बिहाइंड क्लोज वॉल्स जाना जो है ना मुश्किल होता है, एंड कोई अपने घर की इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि हाउ वी ट्रीट आवर सर्वेंट्स. सो इफ वी कैन पे अ सरप्राइज विजिट somehow, if we get permission for that, that can be a good idea to check wo unki living conditions kya hai, unke sath kaisa salook kiya ja raha hai. And acha sara ek baar register kar diye jaye sare. हाँ, और मैं ये भी जानना चाहूंगी जो आपके पास बच्चे आते हैं जिनको आप आफ्टर 15 इयर्स भेजते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड्स रखना और उनका फॉलो अप लेना, ये भी आपने उसमें आपकी स्ट्रेटजीज में शामिल? बिल्कुल जी जी, करंटली वी डोंट हैव अ कंप्यूटराइज डेटाबेस, बट आई एम प्लानिंग टू डू दैट, दैट्स गोइंग टू बी माय फर्स्ट स्टेप. ठीक है, वी आर गोइंग टू गेट ऑल आवर जितने हमारे पास बच्चे हैं उनकी हम डेटाबेस कंप्यूटराइज, वी हैव ऑल द रिकॉर्ड्स ताकि वो हमारे पास आगे जो है तो हमको फॉलो अप भी कर सके, और अभी भी हमें पता हो कि कौन कहाँ पर है, कहाँ पे प्लेस्ड है, किसकी क्या उसका बेसिकली कोई मेडिकल वो भी होता है ना किसी कंडीशन, तो वो हम फिर रिकॉर्ड में अपडेट करते जाएं अपने पास. ठीक है, लवली लवली. अच्छा सारा, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? जी मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात होगी अगर आप सब मेरी सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे सपोर्ट की जरूरत है, दिस ब्यूरो नीड्स यू. सो आवर हेल्पलाइन इज 1121. सो इफ यू सी एनी केसेस रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज or child or any child's right being violated or any child beggars agar aapko nazar aaye jahan pe professional to aap hum please inform kare, or even street children jo ki bahut zyada sabse zyada cases uske milte hain wo hame apni hamari helpline pe inform kare, and we'll definitely take action against it. Acha sir, child abuse ke hawale se bhi kuch is tarah ke, kyunki child abuse ke cases bhi bahut saare hain, to psychological help ke sath sath aap log is tarah se usko pe follow up lenge? Ji, agar hame child abuse ka yahi hota hai ki agar koi case hota hai to hum family se poochte hain, unko hamari koi medical ya legal aid chahiye, agar wo willing hote hain hum unko karte hain help, aur hum agar bacche ko wo nahi bhi uske aage upbringing kar sakte hum apne paas leke, aur khud free of charge we do everything. अगर वो नहीं करना चाहते तो हम बस उनको ऑल वी कैन डू इज वी कैन गिव आवर सपोर्ट के आगे कभी जरूरत हो तो. ऑल्सो सबसे ज्यादा जो हमें मिला है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन के केसेस मिले हैं, बच्चे वो ज्यादा प्रोन होते हैं ना. जी एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, देयर वाज वन चाइल्ड हिज नेम इज फहद, ही इज विद अस, वी गॉट हिम व्हेन ही वाज 3 डेज ओल्ड, ही वाज अ न्यूबॉर्न एंड ही वाज थ्रोन बाय हिज पेरेंट्स इन अ गार्बेज ट्रक, वी फाउंड हिम फ्रॉम देयर, एंड उसको ना इन दिस इन द प्रोसेस एक एनिमल ने बाइट भी कर दिया था, उसकी नोज नहीं थी व्हेन वी गॉट हिम, हमने उसकी फिर एक सर्जरी पहले करवाई, फिर अब दूसरी करवाई है, तो उसका थोड़ा डीफॉर्म्ड है फेस, लेकिन वो मेरे पास है उधर, मैं रोज जाके उसको चेक कर रही होती हूँ, अब उसकी एक प्लास्टिक सर्जरी लेफ्ट, वो थोड़े बड़े होके उसकी होगी, बट ही इज डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज विद अस. थैंक यू वेरी मच सारा, विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा अच्छा काम करें, हमारी सबकी सपोर्ट आपके साथ. थैंक यू सो मच जनेरा जनाब. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर.